चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एकतापुरी में नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण किया। जनता की मांग पर पार्क का नाम स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग के नाम से रखने की स्वीकृति के साथ ही महिलाओं को पार्क की जिम्मेदारी सौंपी। देखें ये रिपोर्ट। मंत्री सारंग ने कहा कि इस क्षेत्र में बारिश में घुटनों घुटनों तक पानी भरा जाता था और नाव चलने की स्थिति पैदा हो जाती थी। इसे चुनौती के रूप में लिया और काम कर इस स्थिति को सुधारा। वहीं यहां के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की। लोकार्पण समारोह में भी मंत्री सारंग ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा। और कांग्रेस के नेता केवल पैसे नहीं दिए गए, वो पैसा जो मध्य प्रदेश के गरीब बेटे बेटियों के पोषण आहार का पैसा था, जिससे मध्य प्रदेश के गरीब बच्चों का पेट भरना था, वो पैसा दिल्ली दस गंटों भेज दिया कांग्रेस के सबसे बड़े बच्चे पप्पू गांधी का पेट भरने के लिए। वो पैसा जिससे महिलाओं का इलाज होता था, वो पैसा कमलनाथ ने भेज दिया सोनिया गांधी का अमेरिका में इलाज करवाने के लिए। मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। न सड़क, न पानी, न बिजली, न नाली, न कोई विकास की बात। संबल योजना बंद कर दी। गरीब के घर में जो उजाला लाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया था, वो संबल योजना बंद कर दी। बड़ी बड़ी बातें की कि हम 10 दिन में सरकार में आने के बाद किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। युवाओं के रोजगार के सभी आयाम बंद कर दिए। न शहर का विकास, न गांव का विकास, न खेत का विकास, न खलिहान का विकास। पर भाई और साथियों, कहा जाता है कि पाप का घड़ा भरता है, भगवान क्या देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान ने मौका दिया था, तुम्हें अपने जीवन को सुधारने का मौका दिया था, तुम्हें सेवा करने का मौका दिया था, पर कांग्रेसियों, कमलनाथ जी, तुमने मौके को गवा दिया और इसीलिए भगवान ने फिर से कमल खिला दिया। मंत्री सारंग ने क्षेत्र के रहवासियों को नई सौगात देने की भी घोषणा की। हमने लगातार विकास कराया है। सुभाष कॉलोनी में वार्ड नंबर 71 में आज ही हम घोषणा कर रहे हैं, 2-3 दिन बाद भूमि पूजन करेंगे, लगभग 35 लाख रुपए से सीसी रोड का हम निर्माण करवाएंगे। इसी तरह एकता कॉलोनी की, एकतापुरी कॉलोनी की सीसी रोड का ये लोग मना कर रहे हैं, वो रोड का भी हम भूमि पूजन आज ही कर रहे हैं। देखा जाए तो मंत्री विश्वास सारंग ने पार्क के साथ ही नई सौगात भी रहवासियों को देने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।